Assalamualaikum. This is class 6, New Oxford Modern English. And today we are going to study the chapter, The Ransom of Red Chief. Dear students, in our previous lecture, we have read about the first part of the story in which two men wanted to purchase a land in Western Illinois. But there, they found the shortage of $2,000 to purchase the land. So they planned to kidnap the son of a well-established person, Ebenezer Dorset. To receive the money as ransom. And then they kidnapped the boy who was very naughty, and during the kidnapping, he injured one of the men, Bill. They hide him in a cave where he was very happy. He was not afraid of them and he was enjoying the situation. So, dear students, let's start the second lecture. Dead boy seemed very happy. ये लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहा था. द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट डेट ही वॉज अ कैप्टिव. बाहर निकलने का जो एक मज़ा था वो उसने उसको भुला दिया था कि वो एक कैदी है. एंड ही वॉज किडनेप्ड बाय द टू मैन. ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई द स्पाई. उसने फौरन ही मुझे नाम दे दिया स्नेक आई, एक आंख वाला सांप. द स्पाई, स्पाई मीन्स अंडरलाइन द वर्ड स्पाई, जासूस. एंड अनाउंस्ड डेट आई वॉज टू मीट माई एंड द नेक्स्ट डे. और उसने ये अनाउंस किया, ऐलान किया कि वो मुझे अगले दिन मेरे जो मेरा अंजाम होने वाला है उसमें वो मुझसे मिलेगा. देन वी हैड सुपर. फिर हमने खाना खाया. एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट ब्रेड एंड ग्रेवी एंड टॉक्ड. हमने फिर खाना खाया और उसने अपने मुंह में जो है बहुत सारा गोश्त, रोटी और सालन वगैरह जो है वो खाता रहा और इसके साथ साथ वो बातें भी करता रहा. हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस. और उसकी जो बातचीत थी वो कुछ इस किस्म की थी. आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर. मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला. इट्स फन. ये एक बहुत ही मज़ेदार बात है. बट आई हैड अ पेट वंस. मेरे पास एक पेट हुआ करता था, यानी पालतू जानवर हुआ करता था. एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे. और मैं जो है वो पिछले साल 9th साल का हो गया था. आर देयर एनी रियल रेड इंडियन इन दीज वुड्स. क्या यहाँ पर जंगलात में रेड इंडियन वाकई होते हैं. आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी. मुझे कुछ और सालन चाहिए. डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो. क्या ये हिलते हुए जो दरख्त हैं वो हवा को चलाते हैं. वी हैड 5 पपीज. हमारे पास 5 पपीज थे. वॉट मेक योर नोज सो रेड. तुम्हारी नाक क्यों सुर्ख हो रही. My father has lots of money. मेरे वाले साहब के पास बहुत सारी दौलत है. Are the stars hot? क्या सितारे गर्म होते हैं. Do oxen make any noise? क्या बैल जो है वो शोर मचाते हैं. Why are oranges round? माल्टे क्यों गोल होते हैं. A parrot can talk. एक तोता जो है वो बात कर सकता है. But a monkey or a fish can't. लेकिन एक बंदर और एक मछली जो है वो बात क्यों नहीं कर सकते. एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर डेट ही वॉज एन रेड इंडियन. हर मिनट के बाद वो खुद को याद दिलाता था कि वो एक रेड इंडियन है. एंड वुड लेट आउट अ वॉर हूप डेट मेड ओल्ड हैंक शिवर. इट मीन्स कि वो खुद को एक रेड इंडियन समझ रहा है और जब थोड़ी देर के बाद उसको याद आता है कि वो एक रेड इंडियन था
तो वो फौरन ही जो है वो एक नारा लगाता है, जैसे रेड इंडियन बहुत तेज़ एक नारा लगाते हैं, और ये नारा जो है से सुनकर जो है वो ओल्ड हैंक जो है वो कांप जाता है। ओल्ड हैंक ये जो है वो स्टोरी का कैरेक्टर है। डेड बॉय हेड बिल टेररइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, और ये जो लड़का है ये बिल को शुरू ही से दहशत ज़दा कर रहा है। आई सेज किट वुड यू लाइक टू गो होम, मैं कहता हूँ कि बेटा क्या तुम अपने घर जाना पसंद करोगे। यू कैन सी हेयर आई के साथ यहाँ पर सेज यूज़ हुआ है। समटाइम जो अमेरिकन हैं स्पेशली जो है वो कुछ ऐसे जो है वो लोग हैं जो ज़्यादातर ग्रामर का ख्याल नहीं करते, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं उनके साथ वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ आई के साथ सेज इन्होंने यूज़ किया है। और वॉट फॉर, क्यों, सेज ही, उसने कहा क्यों। आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मेरे पास घर में करने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करता हूँ। आई लाइक कैंपिंग, मुझे बाहर जाना पसंद है। यू विल नॉट टेक मी होम, आप मुझे घर वापस लेकर नहीं जाएंगे। स्नेक आई सांप जैसी आँख वाले, वो सांप जैसी आँख वाले इसलिए कह रहा था उनको कि वो जो थे, क्योंकि एक आँख उनकी ज़ख्मी थी और एक ही आँख खुली हुई थी, जिस पर उन्होंने उसका नाम जो है वो स्नेक आई रख दिया था। नोट राइट अवे, अभी नहीं, सेज आई, मैंने कहा। यह सेज ही, उसने कहा ठीक है। आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, मैंने ऐसा मज़ा जो है अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। एट अबाउट 11 o'clock वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट एंड वेंट टू बेड, तकरीबन 11 बजे हमने जो है वो बिस्तर बिछाया और कुछ ब्लैंकेट लिए और हम जो है वो सोने के लिए चले गए। रेड चीफ, हु इज़ द रेड चीफ, रेड चीफ इज़ द बॉय। रेड चीफ ने कैप्ट अस ए वॉक फॉर 3 hours, उसने हमें कितने 3 घंटे तक जगाए रखा। क्यों जगाए रखा, क्योंकि वो बहुत नोटी बच्चा था, बहुत ज़्यादा जो है वो शरारतें कर रहा था, जंपिंग अप एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल, और कभी जो है वो जंप लगाता था और कभी वो राइफल तक पहुंचता था, और इस रीचिंग इन आर ईयर्स, कभी वो हमारे कान खींचता था। एज ईच क्रैकल ऑफ ए ट्विग और द रस्टिंग ऑफ ए लीफ मेड हिम इमेजिन डेट आउटलॉज वर अप्रोचिंग। नाउ द अंडरलाइन द वर्ड ट्विग, जो टहनी होती है छोटी सी, किसी भी शाख को उसको ट्विग कहते हैं। रसल ऑफ अ लीफ, पत्ते के गिरने की आवाज़ या टूटने की आवाज़ जो है, उसको ऐसा लगता था कि जैसे कोई गैर कानूनी तौर पर जो है वो यहाँ पहुँच गया है। एट लास्ट आई फेल इन टू अ ट्रेवल स्लीप, आखिरकार मैं बहुत गहरी नींद सो गया। एंड ड्रीम, और मैं ख्वाब देखने लगा। डेट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेन टू अ ट्री बाय फिरोशियस पायरेट विद रेड हेयर, मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे किडनैप कर लिया गया है और मुझे एक दरख्त से बांध दिया गया है, और किसने बांधा है मुझे, लाल बालों वाले पायरेट्स ने। हु इज़ द पायरेट, पायरेट जो है वो बहरी कजाक को कहते हैं, जो बड़े जो पानी के शिप्स होते हैं उन पर जो लूट मार करते हैं, तो वो पायरेट्स कहलाते हैं। जस्ट अ डे ब्रेक, जब दिन निकला, आई वॉज अवॉकिंग बाय ऑफुल स्क्रीम्स फ्रॉम बिल, तो मैं अचानक ही जाग गया क्योंकि मुझे आवाज़ आई थी बिल की बहुत बुरी तरीक़े से चीखने की। आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मीटर वॉज, मैंने फौरन ही जो है वो छलांग लगाकर मैं उठ खड़ा हुआ ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, जो रेड चीफ था लड़का था वो बैठा हुआ था बिल के सीने पर, होल्डिंग हिम बाय हेयर, और उसको उसने बालों से पकड़ रखा था।
इन हिज अदर हैंड ही हैड द शार्प नाइफ, उसके दूसरे हाथ में एक तेज चाकू था, एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल्स स्काल, और वो जो है वो संजीदगी से जो है वो कोशिश कर रहा था कि बिल को मारे। एज ही हैड प्रोमिस्ड द इवनिंग बिफोर, जैसा कि वो रेड इंडियन का जो कैरेक्टर कर रहा था और उसमें उसने कहा था, अनाउंस किया था कि वो दूसरे दिन जो है वो बिल को जो है वो मार देगा, यानी ये जो है वो उसका लास्ट डे होगा, तो वही काम जो है वो उसको कर रहा था। यू कैन सी इन द पिक्चर, यस ही इज होल्डिंग द हेयर ऑफ बिल एंड ही सिटिंग ऑन हिज चेस्ट, और ये जो है ये राइटर हैं जो बड़े मज़े से सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये चीखते हैं उनकी क्राई की जो आवाज़ है वो इनको जगा देती है। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड, मैंने फ़ौरन ही चाकू जो है वो बच्चे के हाथ से ले लिया, एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, और मैंने दोबारा उसे लिटा दिया, बट फ्रॉम द मोमेंट, लेकिन उसी लम्हे से बिल्स स्प्रिट वॉज ब्रोकन, जो उसकी बिल्स की रूह थी जो वो बिल्कुल जाग गई थी और वो जो है वो एक्टिव हो चुका था। ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, और वो बिस्तर के एक तरफ लेट गया, बट ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज डेट बॉय वॉज विद अस, और उसने कभी भी अपनी आंखें जो है बंद नहीं की क्योंकि और नहीं सो गया जब तक कि वो बच्चा उसके साथ था। यानी वो ये चाहता था कि बच्चा जो है वो जब उसे मालूम हो कि जैसे ही बच्चे को मौका मिलता है वो उस पर अटैक कर देता है, तो वो जो है खौफ की वजह से वो सो नहीं सका। नॉट इट ऑफुल सैम, क्या ये गैरकानूनी नहीं है? नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटिल एम लाइक डेट बेक, कोई भी शख्स इस शरारती को जैसे ये बच्चा है इसको कभी भी वापस नहीं लेगा। हिज पेरेंट्स विल, इसके वालिदैन ऐसा करेंगे, सेज आई, मैं कहता रहा। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और इंशाल्लाह वी विल मीट इन थर्ड लेक्चर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।